बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब सईद गनी साहब, वजीर बल्दियात सिंध, नासिर हुसैन शाह साहब, वजीर एनर्जी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जनाब अली हसन जरदारी साहब, वजीर वर्क्स एंड सर्विस और प्रिजंस, डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद साहब, वकार मेहदी साहब, इकबाल सान साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए और मुअज्जिन, और मेरे सामने अख्तर कॉलोनी, मंजूराबाद, महमूदाबाद, चनेसर गोट और इस इलाके के आए हुए सारे मुअज्जिन, मेरे मीडिया के दोस्त, ख्वातीन और हजरात, अस्सलाम अलैकुम। सईद ने काफ़ी नारे लगाए, एक मैं भी नारा लगाता हूँ, देखें आप लोग कितना साथ देते हैं। इसलिए कि आज हमारे लिए काफ़ी खुशी का दिन है, और मैं ज़िक्र करूँगा कि वो खुशी का दिन क्यों है आज। तो नारा लगा के मेरा साथ दे, नारे भुट्टो। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इरादा तो था मेरा कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, हमें चेयरमैन साहब कहते रहते हैं कि जी आप लोग काम करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। आपने देखा होगा दूसरी जगह पे और लोगों को शौक है कि वो खामखा कुछ सोचते हैं, तो उसके लिए भी चाहते हैं कि टीवी पे आ जाएं। मुझे ये शौक़ कम है, लेकिन आज मैंने कहा दो तीन चीज़ें जिसकी वजह से मुझे आप सबके सामने आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, नासिर शाह साहब ने, सईद गनी साहब ने भी उसका ज़िक्र किया, वो आईन जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया, वो आईन जिसको बहुत सारे डिक्टेटर आए, ज़ियाउल्लाह था, मुशर्रफ था, उन्होंने उसका हुलिया बिगाड़ा, फिर उसको मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के ज़रिए कुछ अपनी शक्ल में लाए, लेकिन एक चीज़ उसमें रह गई थी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मीसाक़ जम्हूरियत में अपनी कौम से ये यादा किया था कि हम आम आदमी को जो उसकी अमन अदल की जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए अदलिया में तब्दीली लाएंगे। इसलिए कि अदलिया का सारा टाइम तो लगा देते हैं जो एक सियासी किस्म के मुकदमे बना के, और फिर कोशिश करते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर हो। मैं ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप सारे सियासी कारकुन हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, पता नहीं कितनी बार तो सईद गनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसा हुआ है, इस चक्कर में अभी भी शायद फंसा हुआ हो। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में ये महसूस कर लिया था कि अगर अदलिया में इस्लाहात नहीं लाई जाए तो हमारे मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इस बात को आगे लेके गए, आपने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ मीसाक़ जम्हूरियत की बात की, उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर भी बताई, उन्होंने
जस्टिस डोराब पटेल जैसे जज जिन्होंने एक डिक्टेटर एक आमिर के सामने हलफ नहीं उठाया था उसके बारे में भी बताया, और चेयरमैन साहब ने जो एक वादा किया कि मैं एक कंसेंसस डेवलप करूंगा, ये जो कह रहे थे नंबर तो पूरे हैं लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहूंगा कि हर एक के पास मैं जाऊं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वकला की तंजीमों के पास भी गए, मीडिया में कई बार आए, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कायल किया, और उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो जमात जिसका अपना नाम तो इंसाफ पे मबनी है उसको भी कायल करें, लेकिन मजबूरी उस जमात की यह थी कि उसका जो लीडर है वो इंसाफ पे यकीन नहीं रखता। और मैं आपको ये शर्तियां बताता हूं इसलिए कि मुझे भी पता था उसकी पूरी जमात तैयार थी, कई बार कह चुकी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया कि जी वो राजी हैं, लेकिन वो जो ना इंसाफ आदमी है उसने किए किराए पे पानी फेरने की कोशिश की, लेकिन ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिम्मत थी। और मैं इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र भी खास तौर पे करूँगा कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया, और ये तरमीम चाहे आप जो कुछ भी कहें, इसलिए कि वो जो 80-90 लोग थे वो भी राजी थे। एक शख्स जो इस वक्त मेंबर नहीं है असेंबली का, जो किसी जमात का सदर भी नहीं है, वो सिर्फ राजी नहीं था, उस पर वो मजबूर थे उसके आगे। और उन लोगों ने ना चाहते हुए भी बायकॉट किया, आए नहीं कुछ लोग आए, जबकि वो रिकॉर्ड पे जैसे मैंने कहा मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि जी हमें मंजूर है ये तरामीम। तो ये तरामीम जो हुई हैं, जैसे पहले आइन बना था 1973 में, जैसे 18वीं तरमीम जो 2010 में हुई थी, उसी तरीके से ये 26वीं आइनी तरमीम भी कंसेंसस से हुई है, वो सारे लोग राजी थे, एक जो मेंबर नहीं है जो किसी जमात का लीडर नहीं है वो राजी नहीं था, तो सिर्फ एक मुनरफ था, बाकी सारों ने मुत्तफ़िका तौर पर यह आइन में अमेंडमेंट्स मंजूर किए हैं। और कभी कहता कि मैंने ईंट लगा दी है, फिर कहता इधर ये पार्क और हमने फुटबॉल ग्राउंड बनाए, कि जी आज मैंने फुटबॉल का पोल लगा दिया है, फिर कहता मैंने बॉल खरीद ली है। और हमारा मसला ये है कि हम अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक अवामी खिदमत पे यकीन करते हुए ज़्यादा टाइम तो काम में गुजार देते हैं, लेकिन आज हमने चले 2-3 घंटे छुट्टी ली काम से और आपसे मिलने भी आए और ये 6 मंसूबों का इफ्तिताह किया है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, बल्कि साउथ से शुरू होता है वो रास्ता, तो साउथ वेस्ट और किमाड़ी 3 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हुआ शेरशाह से आदम खान रोड उसका इफ्तिताह किया। ये ड्यूल कैरिज वे बनाया गया, उसके साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन यानी बारिश की निकासी के लिए उस पर काम किया गया है। ये मंसूबा 901 मिलियन का यानी 90 करोड़ रुपए का ये पहला मंसूबा जिसका इफ्तिताह किया गया। इस रोड की जो पहले हालत थी, जो लोग उस इलाके के हैं उनको पता होगी, और आज मैंने उसका इफ्तिताह किया है, मुझे यकीन है कि उस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी इससे।
उसके बाद हम चले गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3 इफ्तिताह किए हमने, नहीं 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। सबसे पहले हमने शाहराए नूर जहां अब्दुल्ला कॉलेज से लेके कलंदरिया चौक तक, ये तकरीबन 6.25 किलोमीटर का ड्यूल ट्रैक है, और उसके साथ साथ साइड में 2 और 4 किलोमीटर के रोड बनाए हैं जो उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, और ख़ास तौर पे आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने इस मुहिम को लीड किया, वो सुरखरू हुआ, और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में अदल, इंसाफ और आईन की जब तारीख लिखी जाएगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम सर फहरिस्त होगा उसमें। इसके साथ साथ आप सबको मुबारकबाद वीर जुल्फिकार इस दुनिया में आ गए, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 3री बार मामू बने हैं, और सदर आसिफ अली जरदारी नाना बने हैं। हम सब, कोई नाना बना है, कोई भाई बना है, कोई चाचा बना है, कोई मामा बना है, हम सब और आप सब, इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसी के साथ बीबी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा के घर में मीर जुल्फिकार पैदा हुआ। अब आ जाते हैं आज की इस तकरीब के बारे में। ये आज मैं तकरीबन 1:30 बजे के करीब चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला, मेरे साथ मेरे वज़रा साथ थे। हमने 6 मंसूबों का इफ्तिताह किया है, और इन 6 मंसूबों की लागत जो है 6 अरब रुपए है, जो आज इफ्तिताह हुए हैं। लोग कहते हैं काम, भाई हम काम बहुत करते हैं, हमारे साथ मसला यही है, नहीं तो कोई और होता ना। तो ये 6 मंसूबे 12 दिन में 12 दफ़ा जाता, आधी आधी बार एक बार इस पूरी, और इसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी बनी है, और इसकी वजह से जिन इलाकों को फ़ायदा होगा वो इंटर बोर्ड ऑफिस, कटी पहाड़ी, कस्बा कॉलोनी, बंगोपीर रोड, 5 स्टार, सखी हसन, नागन, नया नाजमाबाद, नुसरत भुट्टो कॉलोनी और नॉर्थ कराची, इन सब इलाकों को इससे फ़ायदा होगा। ये 3.3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो तकरीबन 2 साल पहले हमने शुरू किया था, इसको मुकम्मल किया है, और इससे भी इस इलाके के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही हमने कैफे प्याला रोड के नाम से मशहूर है गुलबर्ग चौरंजी के साथ, वहाँ से राशिद मिनास रोड तक 902 मिलियन यानी 90 करोड़ रुपए का ये भी प्रोजेक्ट है। 4 किलोमीटर 4.05 किलोमीटर की ड्यूल कैरिज वे बनाई गई है, वही स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के साथ, उसका इफ्तिताह किया। फिर हमने, चले हमने कहा रोड बहुत हो गए आज के लिए, कुछ और किया जाए। अभी आपने लोड शेडिंग की और बिजली की बात की थी, इधर सिंध हुकूमत सोलराइजेशन पे, मैं कहता हूँ ना, अभी कुछ लोग सोचते हैं तो उससे पहले हम कर गुजरते हैं, ये अभी नहीं, हमने सोलराइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, और इसके काफ़ी हिस्से हैं। इसमें हम 400 मेगावाट के सोलर पार्क बना रहे हैं, ये कराची के अंदर और मांझन ज़िला जामशोर जो मेरा ज़िला है,
इसके अंदर बनेंगे कराची वाले, तो हमने काफ़ी आगे बढ़ा लिए। मानजन का मसला ये है कि उधर बिजली ट्रांसफ़र करने के लिए हिस्को की ज़रूरत पड़ती है और NTDC की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमें अभी तक कनेक्शन नहीं दे रही। इंशाल्लाह ताला वो हम खुद करेंगे, उन पे निसाब नहीं करेंगे। उसके साथ साथ 50 मेगावाट के रूफटॉप सोलर हम अपनी सरकारी इमारतों पे लगा रहे हैं। उस सिलसिले में पहले फेज़ में 34 इमारतें सिंध में हम कर चुके हैं, जिसमें मेजर 24 या 25 कराची में है पहले फेज़ में। ये कर चुके हैं, ये तो पहले इसका इफ्तिताह भी हो गया। ये अभी लोग सोच रहे थे, हमने ये सारा काम पिछले अपने टर्म में कर दिया था। आज जो दूसरा फेज़ है उसमें 23 टोटल बिल्डिंग्स हैं, उनमें से दो बिल्डिंग्स का इफ्तिताह मैंने आज किया है, बाकी 19 बिल्डिंग इसी महीने तैयार हो जाएंगी। चार रहती है जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हो जाएंगी। और वो दो कौन सी थी? पहले हम हमारे प्रिजन्स के वज़ीर अली हसन जरदारी साहब के साथ सेंट्रल जेल कराची के, आज जेल जाना हुआ, जेल में कैदियों के साथ रोटी भी खाई, और उनकी सहूलत के लिए वहाँ हमने 614 किलोवाट का एक सिस्टम लगाया सोलर का, उसका इफ्तिताह किया। उसके बाद हम गए डाओ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस जो है यूनिवर्सिटी रोड पे कराची यूनिवर्सिटी से आगे, वहाँ पे 2.3 मेगावाट का हमने सिस्टम लगाया। जो सेंट्रल जेल में लगाया है सिस्टम, उसकी कीमत तकरीबन 200 मिलियन रुपए है, और जो ओझा में लगाया है वो 290 मिलियन का है। और उधर हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पीचो साहिबा भी साथ थी, और उन्होंने बताया मुझे कि ये सिस्टम टेस्ट हो चुका, अभी चल रहा है, और रोज़ाना तकरीबन 8,000 यूनिट, और वहाँ उनका जो बिल आता है वो 60 रुपये यूनिट है, यानी 4,80,000 रुपये की बचत रोज़ाना हो रही है। इंशाल्लाह ताला 2 साल में ये प्रोजेक्ट अपनी कीमत वसूल कर लेगा पूरी। और इससे जो सहूलत हुई है कि एक तो ख़र्चा कम हुआ है, दूसरा लोड शेडिंग का जो अजाब होता है उससे फ़ायदा हुआ है, और उसमें उन्होंने ये सहूलत अभी पैदा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और ख़र्चा है करना हमने, कि जो उनके ऑपरेशन थिएटर हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनको रात में भी, इसलिए वो सोलर सिर्फ दिन में चल रहा है, वो रात के लिए बैटरी सिस्टम और इन्वर्टर लगा रहे हैं ताकि उन क्रिटिकल एरियाज़ को वो बिजली दे सकें। तो ये 290 मिलियन का उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया हमने। इसके अलावा एक खुशखबरी की बात सबके लिए, आपके लिए और पूरे सिंध के लिए, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस स्कीम का इफ्तिताह कर चुके हैं कि हम रूफटॉप सोलर, यानी गरीबों को, और ये BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू होगा, 2,00,000 लोगों को हम रूफटॉप सोलर दे रहे हैं, जिससे उनके घर में बिजली का मसला हल हो। और ये पूरे सिंध में है, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी होंगे, और इंशाल्लाह ताला इस हलके में भी होंगे, और इधर भी जो BISP वाले लोग हैं उनको जो एक हद तक आते हैं उनको ये सोलर सिस्टम मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट जो नासिर हुसैन शाह साहब देख रहे हैं, उन्होंने और भी ये सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। किंजर झील पे 200 मेगावाट है, 400 मेगावाट का सोलर सिस्टम, उस पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला सिंध ने हमेशा, हम इस वक्त जो सबसे सस्ती बिजली पैदा होती है पाकिस्तान में, वो थर में अपने कोयले से पैदा कर रहे हैं।